नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ के लिए मथुरा पहुंचे। यहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष उनकी अगुवाई करने के लिए स्वयं वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहले तो पशु आरोग्य मेले का विधि विधान अनुसार पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मथुरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नदियों, झील और तालाब में रहने वाले प्राणियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना ही होगा। हमें यह कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घर, दफ्तर, कार्य क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। यहाँ पशुओं के संबंध में दर्शाई गई प्रदर्शनी को भी उन्होंने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूड़े से प्लास्टिक अलग करने वाली महिलाओं के साथ बैठक कर उनसे जाना कि वह किस तरह कार्य करती हैं। महिलाओं का समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बातों को साझा किया। इस मेले में लगभग 1700 पशुओं का इलाज किया जाना है, जिसमें से ऐसे गोवंशों का भी विचित्रित किया गया है जो अपने आहार को खाते समय पोलोथीन को निगल जाते हैं, जिनका यहाँ ऑपरेशन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि पशु दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। देश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। हर जनपद में गांव-गांव में जाकर पशुओं के टीकाकरण के लिए डॉक्टरों की टीम गठित होगी और घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे किसानों के पशुओं पर होने वाली बीमारियों पर अंकुश लग सके और किसानों की आय भी बढ़ सके। आपके इस सहयोग के लिए, देश हित में निर्णय करने के लिए मैं आपके सामने आज इस ब्रज की भूमि से शीश झुकाता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के आदेश के अनुरूप बीते 100 दिन में हमने अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। मुझे विश्वास है कि देश के विकास के लिए आपका ये समर्थन और सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। साथियों, ब्रज भूमि ने हमेशा से ही पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को, जीवन को प्रेरित किया है। आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के बचाने के लिए पूरी दुनिया को रोल मॉडल ढूंढ रहा है, लेकिन भारत के पास भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहा है, जिनकी कल्पना ही पर्यावरण प्रेम के बिना अधूरी है। आप जरा सोचिए, कालिंदी, जिसको हम यमुना कह के पुकारते हैं, वैजयंती माला, मयूर पंख, बांस की बांसुरी, कदम की छाव और हरी भरी घास चरती उनकी धेनु, क्या इसके बिना श्री कृष्ण की तस्वीर पूरी हो सकती है? हो सकती है क्या? क्या दूध, दही, माखन के बिना बाल गोपाल की कल्पना कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? साथियों, प्रकृति, पर्यावरण और पशुधन के बिना जितने अधूरे खुद हमारे आराध्य नजर आते हैं, उतना ही अधूरापन हमें भारत में भी नजर आएगा। पर्यावरण और पशुधन
हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो, जल जीवन मिशन हो या फिर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन, प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाकर ही हम सशक्त और नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज अनेक बड़े संकल्प हमने यहां लिए हैं और मैं मानता हूं देश के कोटि कोटि पशुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यटन के लिए ऐसा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए ब्रज भूमि से बेहतर हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। नेशनल एनिमल डिजीज उस कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। पशुओं के स्वास्थ्य संवर्धन, पोषण और डेयरी उद्योग से जुड़ी कुछ अन्य योजनाएं भी शुरू हुई है। इसके अलावा मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी आज हुआ है। इन योजनाओं परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हिंदुस्तान के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उस क्षेत्र के हजारों किसान एक एक केंद्र पर इकट्ठे होकर के इस पारे नजारे का अनुभव कर रहे हैं। कोटि कोटि किसान और पशुपालक आज ब्रज भूमि के साथ टेक्नोलॉजी से सीधे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब से कुछ दिन बाद हमारा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का पर्व मनाएगा। महात्मा गांधी का प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था, उससे सीखना, अपने जीवन में उतारना हम सभी भारतीयों का दायित्व है और उन्हें यही उत्तम से उत्तम सच्ची श्रद्धांजलि भी है। महात्मा गांधी 150 ये प्रेरणा का वर्ष है। स्वच्छता ही सेवा के पीछे भी यही भावना जुड़ी हुई है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेष तौर पर प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। आप ब्रजवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रही है। इसी तरह नदियां, झीलों, तालाबों में रहने वाले प्राणियों का, वहां की मछलियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमें
सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं, उससे छुटकारा पाना ही होगा। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। मैं देश भर में, गांव गांव में काम कर रहे हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सिविल सोसाइटी से, सामाजिक संगठनों से, युवा मंडलों से, महिला मंडलों से, क्लबों से, स्कूल और कॉलेज से, सरकारी और निजी संस्थानों से, हर व्यक्ति, हर संगठन से इस अभियान से जुड़ने के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत आग्रह करता हूं। आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।